भोजपुरी सिनेमा की सबसे महंगी और चर्चित फिल्म जिसे कहा जा रहा है वो है खेसारी की फिल्म दबंग सरकार, जिसके रिलीज डेट पर लोगों का शक अब खत्म ही नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति बनना जायज भी है क्योंकि इस फिल्म के रिलीजिंग डेट कई बार बदली जा चुकी है और अब एक बार फिर से फाइनली डेट सामने निकल कर आई है और ये फिल्म उसी दिन रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का नाम है दबंग सरकार। 30 नवंबर को रिलीज हो रही है बिहार के सिनेमाघरों में। हालांकि ये फिल्म इससे पहले दशहरे पर भी रिलीज होने वाली थी, लेकिन दबंग सरकार के निर्माता दीपक कुमार और राहुल वोहरा ने किसी वजह से इसके रिलीज की डेट आगे बढ़ा दी थी। अब दीपक कुमार ने फाइनली इसके रिलीज की तारीख 30 नवंबर रखी है। बता दें कि इस फिल्म में भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव पुलिस ऑफिसर की भूमिका में नजर आने वाले हैं। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसे देखने के बाद खेसारी लाल के फैंस ने उन्हें अभी से भोजपुरी का सिंगम कहना शुरू कर दिया था। फिल्म दबंग सरकार की कहानी योगेश राज मिश्रा की है और उन्होंने ही इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। उनकी माने तो दबंग सरकार ब्लॉकबस्टर फिल्म होगी जो लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। बॉक्स ऑफिस पर दबंग सरकार दिखा देगी कि भोजपुरी फिल्में बॉलीवुड की फिल्मों से कम नहीं है। इसे हमने नई तकनीक और फ्रेश सोच के साथ बनाया है। फिल्म में भोजपुरी टच तो होगा, लेकिन ये फिल्म रीजनल फिल्मों के मानदंडों पर सर्वोपरि होगी कि दबंग सरकार की शूटिंग लखनऊ के विभिन्न खूबसूरत लोकेशन की गई है और ये अब तक की भोजपुरी की सबसे महंगी फिल्म है, ऐसा कहा जा रहा है। योगेश राज मिश्रा ने कहा है कि मेरी दर्शकों से यही अपील है कि वो 30 नवंबर को सिनेमाघरों में जाकर एक अच्छी फिल्म का आनंद लें। तो अगर आप भी खेसारी लाल की फिल्मों के फैन हैं, खेसारी लाल के एक्शन वाले अंदाज के फैन हैं, तो अपने नजदीकी सिनेमाघर में आज से 8 दिन बाद यानी 30 नवंबर को सिनेमाघरों में देखना ना भूलें फिल्म दबंग सरकार। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट।